हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ग्रामर टेंसेस। आइए आप मेरे साथ करिए। फर्स्ट टेंस है आपका गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। ऑप्शन है वर्क वर्क वर्किंग। तो बच्चों जहां भी आपको ऑलवेज दिखाई दे क्वेश्चन में, कहीं भी आपको जहां भी ऑलवेज दिखाई दे, तो ऑलवेज आपको क्या दिखाता है? ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता है। ये क्या दिखाता है आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है एस या ईएस तो लगता है ही सी इट और सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ लगता है आपका ही सी इट नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी आपको ऑलवेज दिखाई दे, एवरी डे दिखाई दे, यानी कोई भी रेगुलर वाली चीज दिखाई दे, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल क्या है? सिंगुलर के साथ एस सी आई एस और प्लूरल के साथ एस सी आई एस नहीं लगेगा, मगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका ऑप्शन होगा वर्क। क्लियर हो गया? तो इसका जो लॉजिक था वो क्या था? ऑलवेज था, जिसके कारण हमने इसमें वर्क पाया है। नेक्स्ट, द अर्थ डैश राउंड द सन। तो अर्थ सन के चक्कर लगाती है, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी ट्रू चीज है। और जो भी चीज ट्रू होती है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा बेटा? यहाँ पे लगेगा अर्थ सिंगुलर है, तो यहाँ पे लगेगा मूव्स। द अर्थ मूव्स कैसे? हमें क्योंकि जो भी नेचुरल चीज होगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगी, और उनका रूल होगा सिंगुलर के साथ एस सी आई एस और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा मूव्स। क्या होगा? मूव्स होगा। लॉजिक समझ आ गया? फर्स्ट वाले में ऑलवेज था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, सेकंड वाला जो नेचुरल ट्रूथ है इसलिए उसमें हमने मूव्स लगाया। थर्ड है डोंट मेक अ नॉइस द चाइल्ड डैश नाउ। तो शोर मत मचाओ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लॉजिक क्या है? यहाँ पे लिखा है नाउ, और नाउ के कारण यानी अभी, अभी क्या कर रहे हैं? तो अभी बच्चे सो रहे हैं नाउ, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज स्लीपिंग। डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड इज स्लीपिंग। और इसका लॉजिक क्या है यहाँ पे? नाउ है। क्लियर है? नेक्स्ट, माई वाइफ एंड आई डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। तो जब हम एवरी संडे की बात करते हैं तो हम यहाँ पे फिर बात बोल रहे हैं कि ये रेगुलर चीज है, ठीक है। तो हम, मैं और मेरी वाइफ जो है दोनों जाते हैं हर संडे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मगर आई के साथ, आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए गो लगेगा। क्या लगेगा? माई वाइफ एंड आई गो टू सिनेमा एवरी संडे। क्लियर है? वेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये पास्ट के लिए होता है, ये सिंपल पास्ट टेंस होता है जिससे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और गोज लगता है जब जब यहाँ पे ही होता है या शी होता है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे गो लगेगा। नेक्स्ट है आई डैश हिज लेटर अ वीक एगो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एगो लिखा हो, कहीं पे एगो लिखा हो, बिफोर लिखा हो, लास्ट मंथ लिखा हो, लास्ट ईयर लिखा हो, तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ लेना हमेशा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? एगो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था? एगो लिखा हुआ है ना, किसी में भी एगो लिखा हो, ठीक है, लास्ट ईयर लिखा हो, लास्ट मंथ लिखा हो, तो ये सब क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस को रिजर्व करते हैं, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो ये पास्ट टेंस को दिखा रहा है, तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? रिसीव्ड लगाएंगे। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक एगो। क्लियर है बेटा? समझ आ गए? नेक्स्ट देखो आप, जो नेक्स्ट है हमारा वो है बेटा आपका सेंटेंस है माई फादर डैश टू सी मी ओनली अ मंथ एगो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? अगेन अ मंथ एगो लिखा है। तो ये क्या है? मंथ एगो की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है ये? सिंपल पास्ट टेंस। लॉजिक देखना है आपको, मंथ एगो तो सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव होता है तो क्या लगता है? डिड लगता है। अगर इंटरोगेटिव होता है तो डिड पहले लगता है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। मैंने बताया था सिंपल पास्ट टेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? मंथ एगो, ईयर एगो, वीक एगो, लास्ट मंथ, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो सिंपल पास्ट टेंस के होंगे, सिंपल पास्ट टेंस में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए माय फादर केम टू सी मी ओनली अ मंथ एगो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केम होगा। नेक्स्ट है इट डैश सिंस 10 o'clock, रेन, रेन्स, ठीक हैज रेन और हैज बीन रेनिंग। तो देखो यहाँ पे बेटा लिखा है सिंस 10 o'clock, और सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। सिंस किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। फोर रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो सिंस और फोर जो है वो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको किस पे लगेगा? वो लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? जिसमें इज एम आर लगता है। मगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? जिसमें हैज बीन, हैव बीन लगता है। और
उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फंक्शन आईएनजी लगता है और फिर सिंस या फॉर लगता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए यहाँ पे जो होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock इसका आंसर होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम दिया हुआ है 10 o'clock, इसलिए सिंस लगेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता ठीक है फ्यू आवर्स या तब आप फोर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ड्यूरेशन को दिखाता है। नेक्स्ट है योर क्लासमेट हैज बीन इल डेस अ लॉन्ग टाइम, तुम्हारा जो क्लासमेट है वो बीमार है लंबे समय से, पर ये नहीं पता ना वो कितने दिन से बीमार है, ठीक है। अगर लिखा होता कि वो 4 जुलाई से बीमार है, 5 अगस्त से बीमार है, आपको एक डेट दी होती तो आप सेंस लगाते, पर यहाँ पर ड्यूरेशन दे रखा है कि लॉन्ग टाइम, सब लॉन्ग टाइम 10 दिन भी हो सकते हैं, 10 महीने भी हो सकते हैं, तो ड्यूरेशन की बात जब होगी तो क्या लगेगा और लगेगा, याद रखना। जब यहाँ पे टाइम जैसे पहले वाले सेंटेंस में दे रखा था 10 o'clock, ऐसे यहाँ पे 4 जुलाई 5 सितंबर ऐसे लिखा होता, मंथ लिखा होता, डेट लिखी होती तो सिंस लगाते, पर नहीं लिखा हुआ इसलिए यहाँ पे ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप 4 लगाएंगे। नेक्स्ट है ही डैश टू सिनेमा टुमारो, अब यहाँ पे बेटा टुमारो की बात कर रहा है यानी आने वाला कल, तो टुमारो किसको रिप्रेजेंट करता है, टुमारो हमेशा फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ आ गया। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फ्यूचर टेंस में लगता है विल गो, तो ये फ्यूचर क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, आप कह सकते हो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है, तो इसका आंसर क्या होगा, ही विल गो टू सिनेमा टुमारो, क्लियर हो गया बेटा। तो इसका विल गो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे टुमारो लिखा है, अपने विल गो लगा दिया। नेक्स्ट है यू डैश इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यू डैश इंग्लिश फॉर 3 years By the end of this year have learned. तो देखो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, ये क्या है, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसका आंसर होगा will have learned. क्लियर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमें क्या लगाएंगे, will have learned. क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो जल्दी से, आपको क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बेटा आई विश आई द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश MP. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक विश करी जा रही है, तो हम अपनी इच्छा जता रहे हैं, हम है नहीं ये, अगर जनरली तो आई के साथ वॉज लगता है, मगर जब हम अपनी डिजायर को शो करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हम वर लगाते हैं, इसलिए इसमें क्या लगेगा, आई विश। तो इसका जो लॉजिक है वो याद रखना, यहाँ पे जब भी आपको आई विश लगे, आई विश आई डैश द किंग ऑफ इंडिया, तो किंग जो यहाँ पे आई वर लगा देंगे, जब भी हम ऐसी बोले कि मैं विश करता हूँ कि मैं PM बन जाऊं, ठीक है, या मैं क्या बन जाऊं, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बन जाऊं, तो जब हम विश की बात करते हैं, डिजायर की बात करते हैं, तो हम आई के साथ हमेशा वर लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वर होगा। जनरली वॉज होता है, मगर आई जहाँ पे आपको विश, लॉजिक क्या है इसका, विश है, विश आपको दिखेगी किसी भी टेंस में तो आपको वहां पे वर लगाना है। नेक्स्ट है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट, तो बेटा इसमें ध्यान दो, जब भी एक कोई भी टेंस ऐसा हो, यानी कोई भी सेंटेंस ऐसा बनाओ जिसमें दो टेंसेज हो, इसमें देखो दो टेंस है, एक टेंस बन रहा है रीच्ड, तो रीच्ड किसमें आता है, सिंपल पास्ट टेंस में, अगर एक टेंस सिंपल पास्ट होगा तो दूसरा हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे हैड लगेगा। अगर यहाँ पर पहले टेंस में हैड लगा होता तो दूसरा टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ सिंपल पास्ट होता, याद रखना। किसी भी सेंटेंस में दो टेंसेज एक साथ हो, एक अगर एक टेंस जो होगा सिंपल पास्ट होगा तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा, यानी हेड से बनेगा, और अगर पहला सेंटेंस उसका हेड से बना हुआ है पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा उसका सिंपल पास्ट से बनेगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा। तो इसका लॉजिक क्या था, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इसलिए हमने हेड लगाया, अगर यहाँ पे हेड वाला होता द ट्रेन हेड लेफ्ट होता तो अब हम क्या लिखते डैश व्हेन आई रीच द स्टेशन, ऐसे भी ये सेंटेंस बनाया जा सकता था। तो ध्यान रखना है एक टेंस जब भी सिंपल पास्ट होगा तो दूसरा पास्ट परफेक्ट बनेगा, लॉजिक समझ आ गया। नेक्स्ट है He generally does very well. तो generally he does generally very well. तो बेटा ये क्या दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको कि वो generally अच्छा खेलता है, तो वो किस चीज को दिखा रहा है, वो आपकी habit को show कर रहा है, यानी ठीक है habit, और जब भी habit show करते हैं तो हम लगाते हैं simple present tense, या इसे present indefinite tense भी बोलते हैं। present indefinite का rule होता है subject plus verb की first form के साथ s या es और फिर ऑब्जेक्ट, तो ही जनरली डैश, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पे लगाएंगे ही जनरली प्लेज वेरी वेल, क्योंकि ही के साथ क्या आता है, ही के साथ क्या आता है, ही के साथ आएगा एस या ई एस, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, प्लेज लगाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है
माई फादर सेड दैट ही डैश टू भोपाल, मेरे फादर ने मुझे कहा। तो यहाँ पे देखो पास्ट टेंस में बोला हुआ है माई फादर सेड दैट, तो अगर यहाँ पे पास्ट में बोला है तो इसका आंसर भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो इसके ऑप्शन क्या होगा, वॉज गोइंग, माई फादर सेड दैट ही वॉज गोइंग टू भोपाल, ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेड है तो यहाँ पे ये यह आएगा वॉज गोइंग। नेक्स्ट है व्हाइल आई वॉज राइटिंग दिस बुक, जब व्हाइल आई वॉज राइटिंग दिस बुक माई डॉटर डैश, जब मैं इस बुक को लिख रहा था तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है वॉज है ना बेटा, दिख रहा है ना, क्लियर है, तो ये क्या है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो माई डॉटर वॉज वीपिंग, तो ये भी किस में होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में होगा, क्लियर है, सेंटेंस समझ आ गए, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं टेंसेज के, इनकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपने ग्रामर के जो टेंसेज का पोर्शन है उसे क्लियर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं।